बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर। पिछली क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, ठीक है। आज उसको कंटिन्यू करेंगे और बच्चों इस हफ्ते हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर लेंगे। और आपने देखा भी होगा इस हफ्ते से हम लोग वीकली टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही वीकली टेस्ट होगा संडे को, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन उसमें होंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ्स, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो बात कर रहे थे हमने, आपको याद होगा तो लास्ट में काफ़ी कुछ 4 मेथड पे आ गए थे कि कोई भी क्वेश्चन दिया हो हमें उनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करना है ना। अच्छा, एक चीज़ आपको और छोटी सी डिस्कस करके फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो ये कि कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन को प्रेशर के टर्म्स में करना आसान होगा, सिर्फ प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। तो प्रेशर के टर्म्स में कैसे कर सकते हैं इस पे जरा ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए। हल्का सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेंगे बस। तो जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ऑब्वियसली अगर प्रेशर की बात करेंगे तो गैस ही, सब कुछ गैस होना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, ऐसे लिख रहे हैं कि CaCO3 सॉलिड से बनता है CaO सॉलिड और CO2 गैस, है ना। सॉरी, हाँ जी बच्चों, ये देखो, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। कैसे? ये सॉलिड है, ये गैस है। एक काम करते हैं, हेट्रोजीनियस हटा दो, पहले हम सिर्फ होमोजीनियस लेते हैं। एक क्वेश्चन हुआ है होमोजीनियस का, ये वाला। टू एच आई गैस से H2 गैस और I2 गैस। देखो जो अभी तक हम क्या करते थे, इसमें ऐसे करते थे, क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन C पता है? हम मानते थे C में से कोई X जा रहा है, ये X और X बन रहा है। देखो अभी तक हम इसमें ऐसा करते रहे, ठीक है, अभी तक इसमें हम ऐसा करते रहे हैं, ये ऐसे, एक मिनट, हाँ अभी अभी दिख रहा है, ओके। ये ऐसे शुरू में सी था, फिर आपने माना इक्विलिब्रियम पे कुछ एक्स गया तो एक्स और एक्स बन गया, सॉरी इक्विलिब्रियम पे, ये सही लिखा है, कुछ गलत है, देखो जरा इसमें, इसमें कुछ गलत है। 2 × C − x होगा। हाँ, नहीं नहीं, 2 × C − x, 2 C − 2x होगा। ये ठीक है, अब सही है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम ये बच्चों कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि देखो शुरू में मान लीजिए इसका प्रेशर P था, ये दोनों 0 0, फिर किसी टाइम T पे क्या होगा? ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बड़े अच्छे से कि ये गैस है, अगर इसके मोल घटेंगे तो प्रेशर भी घटेगा, इसके मोल बनेंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 2x किया था, यहाँ क्या करेंगे कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम आने पे ये P में से कुछ 2p प्रेशर चला जाता है, 2 × p चला जाता है, तो ये P और P बन जाएगा, है ना। इसका इनिशियल प्रेशर 3 atm दिया था, हमने मान लिया कि P में से 2p चला गया तो P और P ये atm बन गया, डायरेक्ट यहां से kp लिख सकते हो बच्चों, डायरेक्ट kp। तो जो काम हम पहले कॉन्सेंट्रेशन या मोल के टर्म्स में करते थे वही काम डायरेक्ट प्रेशर के टर्म्स में कर सकते हैं, वही काम सीधे सीधे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक बार ट्राई करिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यही नहीं, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं ऐसे, ये वाला, 2 अमोनिया गैस, ये N2 गैस और 3H2 गैस में जाता है। हम ऐसे कर सकते हैं, C 0 0, फिर क्या करते थे, C में से कुछ X गया, 2X गया, ये X बनेगा, ये 3X बनेगा, ये मोल कंसंट्रेशन के टर्म्स में हुआ करता था, मोल पर लीटर। उसी प्रकार अब हम क्या डायरेक्ट प्रेशर के टर्म्स में करेंगे तो क्या बोलेंगे, शुरू में प्रेशर इसका P था, ये 0 0, फिर P में से कुछ इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2P चला गया, ये P बन गया, ये 3P बन गया। डायरेक्ट प्रेशर के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं शुरू में इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। लेकिन प्रेशर के टर्म्स में तभी करेंगे जब सब कुछ गैस हो, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, आप ट्राई करिए उसको, इसको ऐसे करने से फायदा होगा कि ऐसे करने से फायदा होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का है, अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, सॉल्व करिए।
चलिए इसको सॉल्व करिए, मुझे लगता है डायरेक्ट प्रेशर के टर्म्स में करेंगे तो आपको फायदा होगा। हाँ बच्चों हो गया, ये लग रहा प्रेशर टर्म्स में हो जाएगा। कितना आंसर आ रहा, किसने चेक किया इसको? ये देखिए ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है हेटरोजीनियस इक्विलिब्रियम। किसका आंसर बच्चों जो आ रहा है, मैं आपको लिख रहा हूं सामने, आंसर देखिए एक बार, ये आंसर है। ठीक है, किसी का आंसर ये आया, मैं सॉल्व करूं, बोलिए बच्चों।
देखो बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ध्यान दीजिए, आपके पास इसके 0.2 मोल है, एक मिनट, वो ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो ध्यान दो, इसका केपी दिया हुआ है हमको, केपी दिया है 6.8 × 10⁻²। तो हमारे पास ऑप्शन है कि केपी का फॉर्मूला बना लें, जो अननोन है वो आ जाएगा। इसके 0.2 मोल है, इसके 1 मोल है, चलो लिख लो पहले तो 0.2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 0। ट्रेडिशनल मेथड क्या था, इसको 0.2 मोल में से और ये शुरू की बात थी, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हम मानते हैं 0.2 मोल और ये 1 मोल है ना, तो ऐसा एज्यूम करते हैं ये 0.2 मोल में से कुछ x जाएगा, ये x जाएगा और ये x बनेगा। लेकिन बच्चों चूंकि ये मोल थे तो ये भी मोल ही होंगे, राइट, मोल। अभी क्या है, केपी का फॉर्मूला दिया है ना, टोटल इक्विलिब्रियम का प्रेशर हमको दिया नहीं है, तो भाई मुझे लगता है अगर टोटल प्रेशर पता होता तो क्या करते हैं, टोटल प्रेशर सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हम लोग। इस केपी में ये तो आएगा नहीं, तो ये आएगा नहीं, ये दोनों से ही केपी लिखा जाएगा, है ना। तो बेटर तरीका एक ये होगा, क्योंकि ऐसे तो आपको अप्रोच मिलेगी नहीं, क्योंकि टोटल प्रेशर पता होता तो आप बोलते कि ठीक है सर, केपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये पार्शियल प्रेशर H2S हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन टू टोटल प्रेशर P, और ये हो जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर पी। लेकिन बच्चों एक बहुत अच्छी बात ये है कि दोनों का भी पी कैंसिल हो रहा है, देखो ना, मुझे लगता है सीधे सीधे काम हो जाएगा, ठीक है। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S निकालना है ना, तो हम क्या कर सकते थे, डेटा रख दो इसको,
इसके H2S के मोल फ्रैक्शन चाहिए, H2S के मोल कितने हो गए, देखिए H2S के मोल ये रही है, तो 0.2 माइनस एक्स H2S के मोल अपॉन टोटल मोल, ऐसे ही आई एम सॉरी H2S के मोल x है, H2S के मोल ये रहे ना, तो x अपॉन टोटल मोल, और यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल 0.2 माइनस x अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने हैं बच्चों, टोटल मोल इनको जोड़ दीजिए, गैस के मोल जोड़ने हैं, इसको और इसको जोड़ना है, इसको काउंट ही नहीं करना है टोटल मोल में, तो इसको ये टोटल मोल 0.2 आ जाएंगे, यहाँ भी 0.2 यहाँ भी 0.2। देखो बच्चों केपी की वैल्यू रख करके यहाँ से हम चाहें तो x निकाल सकते हैं, लेकिन x निकालने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि x से हमको इसके मोल मिलेंगे, ठीक है, हमें इसका प्रेशर निकालना है। तो एक बार तो आप यहाँ से x फाइंड कर लो, तो kp यानी 6.8 10 को माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन 0.2 माइनस x। बच्चों यहाँ से या तो x निकाल लो, और x से इसके मोल आ गए, और मोल आने के बाद फिर क्या करोगे कि हमको वॉल्यूम पता है एक लीटर है, टेम्परेचर पता है, और मोल आ गए है ना, x की वैल्यू आ गई है, तो इसके लिए पीवी कोड, इन तीनों को उपयोग करके इसके लिए पीवी कोड एनआरटी लगा दो, और पीवी कोड एनआरटी लगाने से इसके सीधे सीधे इसका प्रेशर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ, ये ट्रेडिशनल तरीका है जो हम यूज करते हैं, एक सिंपल तरीका जो भी बताया ना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, देखो उसमें कैसे हो जाता, उसमें कैसे हो जाता बच्चों, सबसे पहले क्या करो, एक आपको 0.2 मोल हाइड्रोजन दिया है ना, ये तो सॉलिड, इसको हटा दो, ये 0.2 मोल दिया है, टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, सबसे पहले इसका प्रेशर निकाल लो, इसका प्रेशर पीवी कोड एनआरटी से निकाल लो। तो देखो हम अगले इसमें नीचे इसका प्रेशर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ये देखो H2 प्लस सल्फर सॉलिड H2S गैस, सब गैस है, जिसको सॉलिड है उसको लिख दिया है ना, और अगर हम चाहें तो हाइड्रोजन का 0.2 मोल है, इसका प्रेशर निकालना चाहें तो पीवी कोड एनआरटी से इसका प्रेशर निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ प्रेशर निकालना है तो N इसका 0.2 मोल दिया है ना, R 0.0821 रख दो, टेम्परेचर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो 263 रख दो, तो NRT और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम एक लीटर है, ठीक है बच्चों, ये 5.9 आ गया, देखो जरा इसका जो प्रेशर है पीवी कोड एनआरटी से निकालने, ये आ जाता 5.9, यहाँ लिख दिया 5.96 ATM एक्चुअली है ना, ये तो हटा दो, सॉलिड है, ये जीरो है, ये शुरू की बात है बच्चों। इक्विलिब्रियम आने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आने पे मान लो 5.96 में से कुछ स्मॉल पी चला गया, देखो स्मॉल पी चला गया, तो ये स्मॉल पी बन गया है ना, बस अब क्या, आप तो केपी में केपी लिखो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केपी दिया ही है 6.8 × 10⁻², इसका केपी क्या हो जाएगा, इसका केपी हो जाएगा देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। बच्चों ये दिया है आपको सीधे सीधे कितना 6.8 × 10⁻², और इधर आप रखोगे H2S का पार्शियल प्रेशर कितना है P, इसकी वैल्यू P रख दो, और इसको कितना रख दो, इसको रख दो 5.96 माइनस P। बच्चों सॉल्व करो, खाली P निकालना है, अब यहाँ से आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई कि इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमें क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीका अलग था, उसमें टाइम ज्यादा लगा, प्रेशर वाला फटाफट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। एक छोटा क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, इसको मुझे लगता है सब लोग ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ये प्रेशर वाला नहीं, सिंपल एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूं, इसको हटा रहे बच्चों, ठीक है, जो क्वेश्चन अभी डिस्कस हो गया इसको हटा रहे हैं, ये लीजिए, NOBR है और इसमें वही अल्फा का यूज होगा, केपी कैलकुलेट करना है,
आपको एक मिनट दे रहा हूँ, फटाफट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करें इसको। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, आप लोग कैसे करोगे, इसका आंसर बताऊं एक बार। इसका आंसर जो मेरे पास गिवन है वो है 0.01 ATM। किसी का आया 0.01? देखो सर कैसे करना है बच्चों, हमारा जो तरीका था वही अपनाओ। कैसे? 2NOBr जो है ना, ये गैस दिया है, ये टूटता है 2NO गैस में और Br2 गैस में, राइट? अच्छा ये बताया, ये 33% डिसोसिएट, ने अल्फा दिया, देखो बच्चों अल्फा 33% दिया है, इसका मतलब हो गया हमें इसकी वैल्यू होगी 33.33/100, दैट इज 0.3333, बहुत सारे ऐसे आ गए, है ना। तो आप क्या करोगे, अल्फा के टर्म से हमारा तरीका क्या है कि हम मानते हैं शुरू में ये 1 था, फिर 0 0, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो 1 में से कुछ सर्टेन अमाउंट मान लो अल्फा चला गया तो कितना बनेगा, ध्यान दीजिएगा, अब आता है तो ये 2 बनता है, तो 1 में से अगर अल्फा गया है तो अल्फा ही बनेगा, जितना ही जाएगा उतना बनेगा, और ये अगर 2 रिएक्ट करता तो ये 1 बनता, हाफ, जस्ट हाफ, तो ये अल्फा से अल्फा बाई 2 बनेगा। पहले तो ये रिएक्शन बना लो। अब क्या है, ये सबके अल्फा के नाम से मोल आ गए, और बच्चों हमको केपी निकालना है ना, तो केपी होता क्या है, केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 का पावर 1, और पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ Br का पावर 2। अब डाटा रख दो इसमें, देखो सर यहाँ आएगा पार्शियल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ऐसे इसका पार्शियल प्रेशर, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, और इधर वाले में क्या है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ इधर देखिए, इसमें भी आ जाएगा मोल पार्शियल प्रेशर और इसका स्क्वायर रहेगा। पार्शियल प्रेशर आता कैसे बच्चों, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। अच्छा फिर एक बार देखो कि हमको मोल फ्रैक्शन जो है ना, मोल फ्रैक्शन, अच्छा एक मिनट, टोटल प्रेशर कितना दिया है, टोटल प्रेशर 0.28 दिया है, तो समझ लेना इसकी वैल्यू हमको पता है, कैपिटल पी की वैल्यू पता है 0.28 ना, मोल फ्रैक्शन आएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन टोटल मोल, जैसे एनओ का मोल फ्रैक्शन, इसके मोल अल्फा हो गए, अल्फा
और सबके मोल जोड़ दीजिए, 1 प्लस अल्फा बाई 2, इन सबको जोड़िए, 1 प्लस अल्फा बाई 2 बचेगा, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा बाई 2। ऐसे ही Br2 का मोल फ्रैक्शन चाहिए, Br2 के मोल अल्फा बाई 2 और टोटल मोल 1 प्लस अल्फा बाई 2। इधर आगे देख लो, इसके मोल 1 माइनस अल्फा हो गए और टोटल मोल 1 प्लस अल्फा बाई 2। बच्चों ध्यान दो, ये आ गया फॉर्मूला पूरा, है ना। अब इसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कर लो, कैसे, ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर यहाँ से आएगा और ये टोटल अल्फा क्यूब हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो गया अल्फा क्यूब, राइट, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा क्यूब हो गया, ओके, और यहाँ बाई 2 नीचे चला जाएगा इसका, ओके। फिर बच्चों देखो ना, इस यहाँ से पी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, ये पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली ये वाला पी बचेगा इधर से, तो न्यूमरेटर में इतना बच रहा है, सर डिनोमिनेटर में क्या इसका 1 माइनस अल्फा बचा रहेगा, 1 माइनस अल्फा इसका बचा रहेगा, और देखो अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, अल्फा बाई 2 का स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 प्लस अल्फा बाई 2 यहां बचेगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2। बच्चों अब हमको अल्फा भी पता है, अल्फा कितना पता है 0.33, और पी भी पता है, पी भी कितना दिया है हमको, ये दिया है 0.28। डाटा रखो, देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो फटाफट जल्दी से जल्दी बताओ यार, कर रहा कि नहीं। अल्फा दिया 0.33, 4 बार 3 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, हाँ बच्चों ठीक है ना, सबका आंसर मैच किया, ओके। आप लोग बोलते कुछ क्यों नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी, क्या आप लोगों तक, तो वहाँ पे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा ना, हाँ बेटा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, हाँ सॉरी 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा ये, हाँ बच्चों ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन इससे आंसर ये आ रहा है, मैंने चेक किया आ रहा है, ठीक है, 0.00098 करके कुछ आ रहा है, तो अप्रॉक्स राउंड ऑफ करोगे 0.01 ही पहुंच जाएगा, 0.0098 करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों एक आईआईटी का क्वेश्चन आपने शायद किया हो, देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि आपने किया है, आप इसको कर लोगे फटाफट, बहुत ईजी है। अच्छा एक मिनट, ये नहीं देंगे, ये आईटी का क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए एक बार, सॉरी ऐसे तो नहीं आएगा ये। चलो बच्चे इसको ट्राई करो, क्वेश्चन को 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हेट्रोजीनियस का क्वेश्चन है, सोचो गेस करो क्या करना चाहिए इसमें, सॉलिड है, सॉलिड है, किसी काम का नहीं, जो भी है ये गैस काम करेगा, अब इसी वजह से शुरू कर दो,
ये 20 ग्राम लिया है, ओके नलो इधर ना जीरो है, 75% डिसोसिएट हो गया, सोचिए कुछ कुछ ऐसा लगाइए हल्का सा, यहीं से हो जाएगा। आंसर मैच किया, जल्दी बताओ क्या आया। 0.8 0.8 0.821। हाँ 0.8, ठीक है ठीक है बेटा, 0.8 ठीक है, 0.8 ही आएगा। ठीक है देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम आने पे क्या है ना, ये 20% में से इसका 75% जाता है, तो 20 का 75% 15 ग्राम होगा, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ है ना, 15 ग्राम होगा है ना। एक काम करो इसके मोल निकालो बच्चों, दिस बाई 100 तो मोल आ जाएंगे 0.2 मोल, राइट, मोल से ज़्यादा आसान होगा क्वेश्चन करना। इन्होंने कर लिया ठीक है, इतने मोल आ गए इसके, अब क्या है 0.2 मोल में से 75% जा रहा है, 75% रिएक्ट कर रहा है, बोला 75%, इसका 75% होता 0.15, कितना बचा 0.05, ये 0.15 जाएगा बच्चों, 0.15 मोल बनेगा और ये 0.15 मोल बनेगा, है ना। अच्छा इसका जो केपी लिखोगे बच्चों, केपी में केवल आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसका मतलब अगर आपको केपी निकालना है इसका मतलब इसका सीधा पार्शियल प्रेशर निकाल दो, इसके बारे में कुछ नहीं करना, इसके बारे में कुछ नहीं करना, तो इसका जो इसके मोल आ चुके हैं, मोल आ चुके हैं, इसका टेम्परेचर पता है बच्चों, मोल पता है, टेम्परेचर पता है, और वॉल्यूम भी पता ही होगा कंटेनर का ना, क्लोज कंटेनर अंडर, सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 15 लीटर, सीधे इसके इसका प्रेशर ही, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकाल दो, पीवी को डोनाटिस, वही आंसर होगा। ठीक है चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहे हैं, प्रेशर के टर्म्स में ही सोचना बच्चों। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा,
ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है ना, ये साइन इक्विलिब्रियम का यहाँ पे, ये स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं, अगर वो छोटा दिख रहा है अपने लेवल में जूम कर सकते हैं अपने फोन में। वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना लग रहा है, मैंने आपको बोला था बच्चों वैसे ही अप्रोच करिए, आप लिखिए टी इक्वल टू जीरो पे ऐसे, इक्विलिब्रियम पे ऐसे, फॉर्मूला बनाइए केपी केसी का जो भी बनाना है, और उसके बाद देखिए चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर केपी केसी नहीं दिया तो जो बोला वो कीजिए। समझे, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस फोर हाइड्रोजन बन गया, राइट, ये दिया है। शुरू में इसका 2 मोल दिया है, तो ये 2 मोल ले लो, इसका 34 ग्राम दिया, और 34 ग्राम मतलब इसका भी, इसका 1 मोल होगा बच्चों, ये 0 0, यानी एक बात बताओ कि अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखा जाए तो इसका मोल 1 है, इसके मोल 2 हैं। अगर हम इसको सीधे केपी की सीधे सीधे प्रेशर के टर्म्स में बात की तो बेटर होगा क्वेश्चन को प्रेशर के टर्म्स में ले जाएं। तो टी इक्वल टू 0 पे हम क्या बोलेंगे बच्चों, वॉल्यूम दिया नहीं है इसलिए प्रेशर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, पीवी को एनआरटी नहीं लगेगा, तो क्या अच्छा एक काम करते हैं, इसके 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 जितने मोल का डबल मोल ये है ना, तो इसका प्रेशर अगर पी एटीएम होगा तो इसका डबल यानी इसका 2 पी एटीएम होगा शुरू में, ये हमने गैस कर लिया, जितना भी प्रेशर इसका होगा उसका डबल ये होगा, क्योंकि जितने मोल ये है उसके डबल मोल ये है। अच्छा अब क्या सोचो कि इक्विलिब्रियम आने पे, इक्विलिब्रियम जो आएगा तो क्या हुआ, ये शुरू में हमने मान लिया, अब टी को सो टी इक्विलिब्रियम, ये 2p था ये p था, अब मान लो 2p में से कुछ ये इसका कोफिशिएंट 1 है ना, ये स्मॉल p चला गया, ये जितना जाएगा उसका डबल ये रिएक्ट करेगा, ये 2p जाएगा, ये p बनेगा और ये 4p बनेगा, और बच्चों टोटल प्रेशर देखना, तो टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज 0.92, मतलब इन तीन इन सब का सम दिया है, टोटल प्रेशर दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इन सबका सम दिया है, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, और साथ ही क्या दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 0.2, तो पी टोटल दिया है, पी टोटल दिया है 0.92, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया है कितना 0.2। बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ये पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन ये 4p है, यानी 4p की वैल्यू आपको दी है 4 × p, और टोटल प्रेशर को जोड़ दीजिए तो ये 3p, ये 3p है, ये 5p है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों मुझे लगता है 2p 2 कैपिटल P और माइनस 3p और प्लस 2p, ये 2 स्मॉल p। अब देखिए ना यहाँ से p आ जाएगा, इस स्मॉल p आ जाएगा, स्मॉल p को निकाल के यहाँ रखिए तो कैपिटल P आ जाएगा, और हमको चाहिए क्या, व्हाट इज द कंटेन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, टोटल प्रेशर हमको पता लग चुका है, ठीक है, कंटेनर का टोटल प्रेशर आ चुका है, हमें कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है, सबके अलग अलग प्रेशर भी आ चुके हैं,
बच्चों किसी एक गैस का प्रेशर ले लो और किसी एक गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, काम वही हो जाएगा। किसी भी एक जिसके मोल पता हो, जिस गैस के मोल पता हो उसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि सबका प्रेशर आ गया, ये भी आ गया, ये भी प्रेशर आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब मुझे लग रहा है किसी एक के लिए, क्योंकि टेम्परेचर पता है ना, किसी एक के लिए पीवी और जिसके मोल पता हो उसके लिए सीधे क्या करिए, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा आंसर, मेरे ख्याल में 200 लीटर कुछ आ रहा है। देखिए बताइए किसी का आंसर आया हो तो फटाफट। आप देख सकते हो, अच्छा स्मॉल पी कितना आ गया आंसर, अगर कम आंसर अभी नहीं आया देखो जरा, स्मॉल पी आ जाएगा 0.2/4, 0.2/4 मतलब बच्चों आ रहा है कितना 0.1, 0.05 कैपिटल, इसको यहाँ रख दो उठा करके, तो 2p और 2 × 0.05 0.1 हो गया, 0.1 = 0.92, तो 2p = आ जाएगा 0.82, तो p = आ जाएगा 0.41, तो कैपिटल पी आ गया 0.41, राइट। कहीं गलती हो गई क्या यार, हाँ बच्चों ये टोटल टोटल प्रेशर जो है ना, टोटल प्रेशर ये पी 2p प्लस ये 3p आ गया, 2p नहीं यहाँ 3p रहेगा, ये 3p रहेगा यहाँ, देखो ना ये 3p करो इसको, बाकी सही है, -3p और +5p प्लस 2p बचेगा, ये 3p = इतना आ रहा है, इतना आ रहा है 0.82, ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.82/3। एक बार देखिए इसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, ये p = आ जाएगा 0.82/3, ठीक है, ये देखिए इसको आंसर लगा के पॉइंट उतना आ रहा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, 0.82/3, ये 0.27 के आसपास है, 0.273 आता लगभग, 0.273 ये, हाँ बच्चे चलो अब एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला है कि सभी गैस के प्रेशर आपको पता है ना, सभी गैस के प्रेशर पता है, किसी एक के लिए हमें इसमें सिर्फ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, हमें वॉल्यूम निकालना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, किसी एक गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना, ये मैंने बताया है। तो अब एक काम कर लो, आप जिस गैस को चाहो उसके लिए लगा लो, जो बस उसके मोल पता होने चाहिए। मान लीजिए आप कार्बन डाइसल्फाइड के लिए यूज करना चाहते हैं क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका प्रेशर पता है बच्चों, ठीक है, स्मॉल पी 0.05 atm है, टीएम जानते हैं कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है ऊपर कुछ, हाँ 727, ठीक है 727 हो गया, नहीं 1000 केल्विन है, टी हो गया 1000 केल्विन, आर रखना 0.0821 लीटर एटीएम में, और बच्चों सिंपली एक चीज है क्या, वॉल्यूम लीटर में आ जाए अगर आप मोल रख दो, तो गैस कार्बन डाइसल्फाइड के मोल रख दो आंसर आपका आ जाएगा। इसके मोल कैसे रखने पर सोच के देखो, प्रेशर पता है कैसे मोल इसके आ सकते हैं, क्या तरीका आपको लगता है, एक बार मोल सोच लो फटाफट। इसका आंसर मेरे पास 300 लीटर दिया है, 300 लीटर, 300 लीटर, क्या हमारा वॉल्यूम इतना आ रहा है। अच्छा देखो मैं आपको मोल निकालने का तरीका बताता हूं, मेरे संग समझो एक बार, क्या है कि ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसका प्रेशर 2p था, 2p में से p चला गया है ना, और जितना ये गया उतना ये बना। एक काम करते हैं, 2p के रेशियो में p कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ जो करने जा रहा हूँ उसको एक लाइन में समझिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ये, थोड़ा सा घुमा दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं है। तो देखो 2p में से p गया, बच्चों 2p की वैल्यू निकालो कितनी होगी,
है ना, P है 0.274, कैपिटल P 0.274 है यहाँ से, है ना, ये देखिए मैंने आपको क्या बोला, आप पीवी क्रोमेटिक किसी भी गैस के लिए लगा सकते, जिसको मन करे उसके लिए लगा दो, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके, मैंने फिलहाल चूज किया CH2 के लिए लगाएंगे, तो इसके मोल पता हो तो अच्छा रहता है। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यार मेरा थीम ये है कि देखते हैं ये कितना परसेंट रिएक्ट करेगा, कितना परसेंट ये रिएक्ट किया, 2P के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट था, वैसे हिसाब से 2 मोल के रिस्पेक्ट में उतना ही परसेंट रिएक्ट करा देंगे और रिएक्ट करा के इसके मोल सोच लेंगे। तो देखो जरा 2P में से 2P यानी 0.274 ये आता है, एक मिनट, 0.546 आता है बच्चों, तो 0.546 जो है ना, देखिए 0.546 में से कितना रिएक्ट किया, 0.05, 0.546 में से 0.05 रिएक्ट किया, राइट, तो बच्चों कितना परसेंट गया, तो 1 में से कितना गया होगा, तो यह आ जाएगा 0.05 डिवाइड बाय 0.546, बच्चों ये 0.09, 9% रिएक्ट किया लगभग, ठीक है, तो 1 में से कितना जाएगा, 1 में से जाएगा 0.91 लिख लो, 0.91 एक्चुअली, 0.91 है ना, 0.091 एक्चुअली, 0.091 है ना, इतना फ्रैक्शन रिएक्ट किया, परसेंटेज में चाहिए तो क्या बोलेंगे, 0.9091 इनटू 100% इनटू 100% हो जाएगा, नहीं 9.1% रिएक्ट किया बच्चों, ध्यान दो ना, 9.1% रिएक्ट किया, ये यहां से हिंट लग गया, 9.1% रिएक्ट करेगा, तो एक काम करो, हमें सिर्फ इसके मोल चाहिए, मोल चाहिए, प्रेशर आ जाएगा, इसके मोल आएंगे कैसे, देखो बच्चों ये जितना था, ये 2 मोल था, 2 का कितना रिएक्ट कराना है, 9.1%, तो 2 का 9.1% देख लो कितना होता है, उतना रिएक्ट कराओ और उतना ही बन जाएगा, तो 2 का 9.1% हो गया 2 × 0.091, ये 0.182 मोल गया, तो ध्यान दीजिए बच्चों ये 2 में से आप निकाल पाओगे, 2 में से 0.182 मोल रिएक्ट कर रहा है और इतना ही ये बनेगा, ये जो बनेगा 0.182 मोल होगा, तो इसके मोल आ गए, इसको मोल उठा करके यहाँ रख दीजिए, आप सीधे सीधे वॉल्यूम आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.182 बच्चों, 298.8 लीटर आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन एरर होगा, और 300 लीटर दिया हुआ है, करके देखिए इससे 298.8 लीटर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें डायरेक्ट नहीं होगा कि ये स्मॉल पी और कैपिटल पी तो डायरेक्ट आ गए, लेकिन कहां पे घुमा दिया कि नहीं यार आप वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको किसी के लिए, एक के लिए पीवी क्रोमेटिक लगाना पड़े, किसी एक के लिए, मैंने CH2 के लिए लगाया, आप किसी भी गैस के लिए लगा दो जिसके लिए आपको एप्रोप्रिएट आसान लगे, ठीक है, बस उसके मोल निकालने चाहिए। तो मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, अब बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं, ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे थोड़ी देर में। देखिए सॉल्विंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमने समझा, इसके एक छोटी सी प्रॉपर्टी और देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा पॉइंट और आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी और केसी, मैंने आपको बताया था केपी होता है, केसी होता है, केएक्स होता है ना, केएक्स भी होता है, केपी, केसी, केएक्स, केएम, बहुत सारी चीजें मैंने और बोली कि सब हो सकते हैं, ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, केपी और केसी सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, हल्की सी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ केपी एंड केसी, केपी एंड केसी बचपन से पढ़ते आए होंगे 11 से, ये चीज हल्का सा रिव्यू करते हैं, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केपी केसी नहीं लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, वो किसी भी टाइप का के हो, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि ए प्लस बी है ना, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी है, ए के है, तो बच्चों इसका रिवर्स कर दो, सी से लिख दो ए प्लस बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/k, ये सबको पता है। दूसरी प्रॉपर्टी छोटी सी क्या है, अगर लिखा है ए प्लस बी से सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ए प्लस बी से सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ए प्लस बी से सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, तो इस रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया,
तो ये 5 के की पावर बन जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k की पावर 5 होगा। हमने 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बाई 5 इसकी पावर बन जाएगी, मतलब जिस फैक्टर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाएगी, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए ना, ए से बी लिखा हुआ है K1, सी से डी लिखा हुआ है K2, ई से एफ लिखा हुआ है K3। आपने रिएक्शंस को ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए प्लस सी प्लस ई यहां बन जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4। ये जो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ये ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1 इंटू K2 इंटू K3। रिएक्शंस ऐड होंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी ये कि KC एंड KP, अगर ध्यान दीजिए, अगर एक रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी से सी प्लस डी, इसका KC क्या हो गया, सी का पावर 1, डी का पावर 1, ए का पावर 1 और बी का पावर 1। केपी कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। देख लीजिए बच्चों ये, ठीक है। अब मुझे बताइए इसको देख करके, क्या इसको देखिए बताइए, अगर हम कॉन्सेंट इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा दें तो इस पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, इसको बढ़ा दें तो इस पर कोई फर्क क्या लग रहा है, जल्दी बताइए। अरे इसको बढ़ा दें या इसको चेंज कर दें, चेंज होगा कि नहीं होगा, देख के बताओ ना एक बार। यस सर, चेंज होगा। होगा नहीं, ऐसा सिर्फ लगता है बच्चों, फॉर्मूले सिर्फ लगता है ऐसा, ध्यान दीजिए यही चीज है कि ऐसा लगता है कि KC डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, KP डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर, ये ट्रू नहीं है। KC और KP फॉर्मूले से कंफ्यूजन होता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर डिपेंडेंट है, एक्चुअली दे डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर नहीं बदलोगे, भले ही किसी कोई एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो घटा दो, किसी एक को बढ़ाने घटाने से बच्चों बाकी कॉन्सेंट्रेशन अपने को ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, केसी नहीं चेंज होगा, केपी नहीं चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, है ना। तो ऐसा लगता है कि केसी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड केपी डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर, विच इज नॉट ट्रू, है ना, बट केपी एंड केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, है ना। इट अपीयर्स दैट केसी डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड केपी डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर, विच इज नॉट ट्रू, लिख लीजिए विच इज नॉट ट्रू। एक्चुअली केसी एंड केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, देख लीजिए बच्चों, एक्चुअली केपी एंड केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, कोई और फैक्टर पे डिपेंड करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, यहां गड़बड़ी एक हो सकती है। अच्छा, जब केसी केपी टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, तो अगली प्रॉपर्टी कैसे टेम्परेचर डिपेंड करते हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केपी एंड केसी इज गिवन बाय, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ केसी एंड केपी इज गिवन बाय, ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन, देखिए वांट ऑफ इक्वेशन ऐसे है, ध्यान दीजिए बच्चों, LNK इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन RT और प्लस LNA, ये इक्वेशन है, इसको हम लोग वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ये कुछ कुछ आपने जो 12th में पढ़ी ना किरचॉफ्स इक्वेशन, उसी के तरीके से है, बस किरचॉफ्स इक्वेशन में यहाँ क्या होता था, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होता था, ये इसमें ये यहाँ पे डेल्टा एच है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो देख लो बच्चों, फॉर्मूले से थोड़ी गलती हो सकती है, केसी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस है, केपी पार्शियल प्रेशर डिपेंडेंस है, तो ऐसा नहीं है। केसी और केपी तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदले, उसके अलावा कुछ भी बदल दो, आप जाके उस रिएक्शन वेसल में खुद बैठ जाओ तो भी केपी केसी नहीं बदलेगा, केपी केसी तभी बदलेगा जब टेम्परेचर बदलेगा, ध्यान रखना इस चीज को।
और किसी फैक्टर पे केपी किसी नहीं डिपेंड करता, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन. अब देखो इसको बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन. क्या है, ln k equals to minus delta h upon rt plus ln a. k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, a तो वही है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन है, और टी द टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन. ये वांट ऑफ इक्वेशन है जो बताती है टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा. ऐसे बढ़ेगा कि घटेगा, जब देख के बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा, देख के बताओ इसको. एक बार कोई आप में से एक को इंटरप्रेट करके एक बार कोई बंदा बताइए जल्दी से. निखिल बताओ, निखिल सर बताइए. बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, देख के बताइए ठीक से. और देखिए कोई इनको, कोई इनकी बात को काटना चाहता तो बोल सकता है, नहीं सर नहीं बढ़ेगा, ऐसा कोई बोलना चाहे तो. देखो बच्चों एक्चुअली इसमें डेल्टा एच है, मैं आपको बताता हूं, यहां डेल्टा एच दिया है, इसका इक्वेशन हम प्लॉट करके दिखाते हैं, इसकी इक्वेशन प्लॉट करते हैं, इसको हटाते हैं. आपने बोला वो बात सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा और एक चीज पॉइंट ध्यान देनी चाहिए, डेल्टा एच का साइन, ठीक है, डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा ये बढ़ेगा घटेगा. देखो जरा बच्चों ये जो इक्वेशन लिखी ना, एल एन के माइनस डेल्टा एच बाई आर वन बाई टी है ना, और प्लस एल एन ए, इसको जरा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, x एक्सिस पे ले रहे हैं 1 बाई टी और y एक्सिस पे ले रहे हैं ln k. देखो अगर अपने आप चीजें दिखना शुरू हो जाएंगे, x एक्सिस पे 1 अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में है, और यहां ले रहे हैं ln k, ठीक है. देखिए बच्चों इसका इंटरसेप्ट कितना है, इसका इंटरसेप्ट ये रहा ln a, यहां कहीं होगा पॉजिटिव ln a. अच्छा स्लोप क्या है इसका, देखो दर स्लोप, देखो बच्चों स्लोप, इसका स्लोप ये है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, राइट, ये स्लोप है इसका, समझना जरा, ये माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है यहां पे, माइनस साइन ऑलरेडी है, ये देखिए स्लोप नेगेटिव है. अब मुझे बताइए ये ग्राफ अगर ऐसा भी जा सकता है, ग्राफ ऐसा भी जा सकता है, ध्यान दीजिएगा ग्राफ दोनों रास्ते में कैसे भी जा सकता है, डिपेंड करेगा डेल्टा एच पे. अगर डेल्टा एच खुद पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां डेल्टा एच पॉजिटिव होता है. बच्चों अगर आपने यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव रख दिया, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव रख दोगे है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, स्लोप नेगेटिव नहीं, ग्राफ नीचे ही आएगा. अच्छा अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये खुद नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता, स्लोप पॉजिटिव होता, ग्राफ ऊपर जाता, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां डेल्टा एच नेगेटिव होता है. तो ध्यान देना बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, ये डेल्टा एच पे डिपेंड करता है. ध्यान दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, क्या हो रहा है, 1 अपॉन टी बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए 1 अपॉन टी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा होगा, 1 अपॉन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा होगा, यानी इधर जाने पे टेम्परेचर घट रहा है, क्लियर, एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा. ध्यान दीजिए टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है, एक्सोथर्मिक को उल्टा होता है, देख लो ना टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर घटाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये ग्राफ से आप रीड कर सकते हो, इस ग्राफ से रीड करोगे तो पता लग जाएगा, नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है. तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है चीजें, खैर इसको हम और इंटरप्रेट करते हैं आगे. तो ग्राफ से हमने ये इंटरप्रेट किया कि ये ग्राफ ऊपर नीचे दोनों जा सकता है, तो नोट नंबर वन.
फिलहाल एक छोटा सा नोट, नंबर वन इसकी प्रॉपर्टी भी जुड़ा हुआ, हाँ बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो इसी इसी को इंटरप्रेट करें, इसी को इंटरप्रेट करके यहां लिख रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टी वन कम है टी टू ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, क्या फर्क पड़ेगा? तो कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विल, दो केस होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होगा यानी के वन कम के टू ज्यादा, और डिक्रीज होगा मतलब के वन ज्यादा के टू कम, ऐसा। इंक्रीज कब होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ेगा कब? जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक। और घटेगा कब? जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक। आपको याद कैसे करना है बच्चों, देखो जरा, आपको याद ऐसे रखना है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है सब कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब जो टेम्परेचर के साथ करो वही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ होगा। वैसे तो यहां से इंटरप्रेट करो, लेकिन याद रखने की बात है, कैसे आप लोग मैं ऐसे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ेगा कब? जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो जो टेम्परेचर के साथ करोगे वही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ होगा, ध्यान रखना। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच जो टेम्परेचर जहां जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वहां जाएगा, लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ही उल्टा होता है, तो वहां उल्टा ही होगा, टेम्परेचर जिधर जा रहा होगा उसका उल्टा जा रहा होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर तो देखिए डेल्टा एच पॉजिटिव तो जो टेम्परेचर वही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है ना, लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव उल्टा होगा, दोनों उल्टा जाएंगे। तो देख लीजिए टेम्परेचर डेल्टा एच पॉजिटिव, टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ गया, डेल्टा एच नेगेटिव टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट घट गया, वही ग्राफ बता रहा है। ग्राफ में देखो टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घटाने पे अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव जो टेम्परेचर के साथ करो वही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ होगा, टेम्परेचर घट रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट घटेगा डेल्टा एच पॉजिटिव है तो, टेम्परेचर घट रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ेगा डेल्टा एच नेगेटिव है तो, ठीक है। अच्छा इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों ln k equals to minus delta h upon rt plus ln a, ln k equals to minus delta h upon rt plus ln a। एक काम करते हैं, एक बार यहाँ टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट K1 रख देते हैं इक्वेशन 1, एक बार T2 K2 रख देते हैं इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, क्या जाएगा ln k2 by k1 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर, वन अपॉन टी वन जो कि केल्विन में होगा, माइनस वन अपॉन टी टू जो कि केल्विन में होगा। ये भी वांट ऑफ इक्वेशन है, और ये वांट ऑफ इक्वेशन, ये इनको सेपरेट करके वांट ऑफ ही आएगा, एक ही क्वेश्चन वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूँ जिनकी प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं, हम उनको करेंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी हमने क्या सीखी? पहली कैटेगरी हमने सीखी कि कोई भी क्वेश्चन हो जाए हमें उसी तरीके से डील करना है, कैसे मोल घटेंगे तो प्रेशर घटेगा, मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर घटेगा, सीधे प्रेशर के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करो, मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वैसा कर सकते हैं। अभी हमने इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की बात की है, और हम समझ रहे हैं कि आपको समझ आया, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे आई। क्वेश्चन सभी लोग करें और क्वेश्चन में बिल्कुल पार्टिसिपेट करें बच्चों, यहाँ पता नहीं लगता कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो, इसलिए आप करके सीधे सीधे फटाफट आंसर बताओ, वरना मुझे यहाँ से नाम लेना पड़ता है, एक्स पर्सन बताओ, वाई पर्सन बताओ, जल्दी से आप लोग करिए। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग को आप जूम भी कर सकते हैं,
देखो बच्चों यहाँ पे ये यूज करना होगा, के सी इक्वल टू क्या होता है, के एफ अपॉन के बी, के बी ये के आर लिखा है, के बी को के आर लिखा, के आर कर दो, है ना। तो एक काम करो, एक बार 1400 केल्विन पे के सी निकाल लो, एक बार इस 1500 केल्विन पे के सी निकाल लो, दोनों टेम्परेचर पे के सी निकाल लो, बस के सी निकाल के सॉल्व करो, हो जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों, फिर आप कंपेयर करना, क्या कंपेयर करोगे कि यहां से टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर यहां से बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर ये भी बढ़ रहा है, तो बच्चों रिएक्शन क्या होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, लेकिन अगर उल्टा हो रहा है तो निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक है, आप केसे निकाल के देखो, ठीक है। आंसर एक्सोथर्मिक है। अच्छा आंसर, एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक ही है, राइट, सबका आंसर आ गया एक्सोथर्मिक केस में, ठीक है। अच्छा एक काम करो, जब आपने केसी निकाली लिया, यहाँ केसी वन हो गया, ये केसी टू हो गया, है ना, ये केसी कैसे आएगा, ये केसी आएगा के एफ अपॉन के बी, पहला केसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको दूसरा केसी चाहिए, ये वाला, ये तो ये के एफ और ये के बी, फिर केसी आ जाएगा, है ना, दोनों केसी कैलकुलेट हो जाएंगे। ये यहाँ से उसी बताना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, और घट रहा है तो ये निगेटिव, मुझे लगता है ये कम होगा, घट रहा होगा, ये डिक्रीज कर रहा होगा, ये इंक्रीज कर रहा है, उल्टा हो रहा है तो डेल्टा मतलब निगेटिव, उल्टा हो रहा है मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो डेल्टा एच निगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है डेल्टा एच निगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो श्योर। अच्छा अगर आपसे पूछता बताओ कि केस है कितना, वो डेल्टा एच है कितना, निगेटिव है कितना, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर दे, एल एन के टू बाई के वन के सी टू बाई के सी वन इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन, अभी लिखा बोर्ड पे ना, वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, इसको आप यूज करते, इसमें टेम्परेचर रखते ही कितना, टी वन रखते 1400 केल्विन, है ना, और ये के सी वन रखते हैं यहाँ पे, फिर इसको रखते कितना 1500 केल्विन, और यहाँ के सी टू रखते, बच्चों ये अपने आप ये डेल्टा एच आता आर के टर्म्स में, है ना। और ध्यान रखना है इसमें सबसे बड़ी बात होती है, इस फॉर्मूले में आर का यूनिट वही होता है जो डेल्टा एच का यूनिट, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, तभी डायमेंशन इक्वालिटी होगी। मतलब अगर आपको इसको जूल में रखना है तो जूल में आएगा, ये कैलोरी रख रही है कैलोरी आएगी, लीटर एटीएम रख रही है लीटर एटीएम आएगा, ठीक है ऐसा। तो यहां से हम चाहें डेल्टा एच कैलकुलेट भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को ऐसा भी होगा डेल्टा एच कैलकुलेट करो, तो इसी इक्वेशन से कैलकुलेट कर दें, राइट। लगा के दो, अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहे बच्चों, ध्यान दो इसको, इसको करो, बस एक मिनट, क्वेश्चन पूरा नहीं आया, एक मिनट।
ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें ये लॉग है, यहाँ पे एल ओ जी होगा लॉग, यहाँ पे लॉग होगा। ये ग्राफ मैंने बनाया ना बोर्ड पे, ग्राफ अभी बना हुआ है, वही एल एन के का ही ग्राफ है, एल एन के नहीं लॉग के। अच्छा एक चीज तो आपको पता होगी ना कि जब भी एल एन होगा, एल एन के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग के, मतलब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए एल एन इसमें लॉग बेस 10 होता है, यहाँ पे एल एन में लॉग बेस ई होता है, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट के लिए इससे मल्टीप्लाई करते 2.303। ये फैक्टर तो आपको पता होगा, ये इसको याद रख के क्वेश्चन करिएगा, पता है तो एल एन को नेट एक बार रिवाइज कर दिया। हाँ बच्चों करो, में हो रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए जरा। सबसे पहले आप देखो कि हमने इस इक्वेशन को ना, ये जो इक्वेशन है एल एन के, तो एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन कितना दिया है 2.303 आर 1 अपॉन टी, ऊपर ही इक्वेशन को लिख रहे हैं दोबारा से, है ना, और लॉग ए, यहाँ पे भी लॉग है, और ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच, लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी, यानी इसके और इसके बीच। बच्चों एक काम करो, इसको y को mx plus c से कंपेयर कर दो, x एक्सेस 1 अपॉन टी, y एक्सेस पे लॉग के ले लो, देखो दैसे यहाँ पे लॉग के, यहाँ पे 1 अपॉन टी, है ना। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप जो भी है, स्लोप तो 0.5 दिया, स्लोप पॉजिटिव नहीं ऐसे जाएगा ये, है ना, हमारे हिसाब से स्लोप इतना आएगा, ये स्लोप ये रहेगा,
स्लोप इक्वल्स टू है माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.30 CR, है ना, और हमारे क्वेश्चन इसकी वैल्यू 0.5 दी हुई है. ओके, इंटरसेप्ट 10 दिया है बच्चों. इंटरसेप्ट जो है ना, ये ln a इंटरसेप्ट हो गया, ये इसकी वैल्यू 10 दी है, यहाँ से यहाँ 10, मतलब ln a की वैल्यू, ये इंटरसेप्ट, ये 10 दिया हुआ है मुझे लगता है. तो ln a 10 दिया, आप तो क्वेश्चन हो जाएगा. पहला डेल्टा एच निकालना, तो क्या करो, स्लोप से इतने पार्ट से पार्ट हो जाए, यहाँ से डेल्टा एच निकाल दो इस पार्ट से, तो डेल्टा एच निकाल लो, तो पहला पार्ट तो यहीं खत्म हो गया, पार्ट ए हो गया कहाँ से, या पार्ट यहाँ से हो जाएगा क्या, स्लोप 0.5 इक्वल टू हो गया कितना, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R. देखो बच्चों, यहाँ से डेल्टा एच निकल गया, हमने इसको लिखा इसको, ठीक है. अब क्या करो, सीधे डेल्टा एच निकालो, डेल्टा एच यहाँ से आ जाएगा माइनस 0.5 इंटू 2.303 इंटू R, बस यही आंसर हमारा. R जूल में रखोगे, डेल्टा एच जूल में आएगा, R कैलोरी में रखोगे, कैलोरी में आएगा, है ना. पहला, दूसरा फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A निकालना, तो इंटरसेप्ट से आ जाएगी, तो इंटरसेप्ट से पार्ट ए का पार्ट बी इंटरसेप्ट देखो, लॉग ए, लॉग ए इक्वल टू 10 है, तो ए इक्वल टू 10 की पावर 10 आ जाएगी, देखो ये आंसर हो गया, है ना. फिर पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 298. बच्चों एक बात बताओ, इसको जरा सही से लिख लो, कैसे, लॉग के इक्वल टू इंटरसेप्ट कितना है 10, हमारे हिसाब से यही इंटरसेप्ट, इसको 10 रख दो, 10 और माइनस स्लोप जो है वो 0.5 है, तो स्लोप है कितना, ये डेल्टा एच अपॉन 2. स्लोप को रख दो 0.5, तो 0.5 अपॉन टी, देखो ऐसे, है ना, ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे चलेगी, कैसे, ये इंटरसेप्ट 10 रख दिया और स्लोप था माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R, उसको रख दिया 0.5 अपॉन टी. अब क्या होगा, इसमें केवल ये टी नहीं है, टी ही ना अननोन है, ये सिर्फ टेम्परेचर को ही ना ध्यान रखना है, इसको निकालना है, बाकी तो कॉन्स्टेंट है ना. एक बार टेम्परेचर इतना रखो, टी रखो, के लॉग किया जाएगा, फिर किया जाएगा, एक बार टेम्परेचर इतना रखो तब भी किया जाएगा, ठीक है, दोनों केस में के निकल आएगा, क्या हो जाएगा बच्चों. Yes, sir. तो ये समझ लीजिए किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं. ये क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है. मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, बोर्ड पे आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है. हाँ बच्चों, तो ये बात हो गई जहां हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी डील कर लिया, ठीक है. एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, वो ये कि देखो जरा होता क्या है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, ए एन टूट रहा है, सॉरी, जैसे ओ थ्री टूटता है 2O में, 3O में, O2 टूटता है किसमें, 2O में. सिमिलरली An टूट रहा है बच्चों, मान लो N मोल्स ऑफ A में, है ना. अब मुझे ही बताओ, शुरू में मैंने लिखा ये 1 है, ये 0 है, और जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आने पे ये 1 में से अल्फा चला गया, N अल्फा बन गया, है ना. अच्छा, इनके हमको बच्चों मॉलिक्यूलर वेट पता है, ध्यान देना, हमें इनके मॉलिक्यूलर वेट पता है, है ना. थोड़ा सा नीचे करेंगे, रुक जाओ. इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना m है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट m1 है. खैर, शुरू में क्या था बच्चों, फिर से मैं लिखता हूं, शुरू में ये 1 था, ये 0 था, फिर इक्विलिब्रियम आया, ये 1 में से कुछ अल्फा चला गया और ये n अल्फा बन गया. ये बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि शुरू का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो आपको कि सर शुरू का जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, शुरू का जो मॉलिक्यूलर वेट हो किसका, शुरू का जो मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों, उसमें खाली वो m होगा या m1 होगा या दोनों का एवरेज होगा, क्या लग रहा है आपको, देख के बताओ जरा इसको. इस मैं शुरू t इक्वल 0 पे मॉलिक्यूलर वेट पूछना चाह रहा हूं, तो आपको कि सर t इक्वल 0 पे मॉलिक्यूलर वेट में ये प्रोडक्ट तो था ही नहीं, बिल्कुल तो 0 था, तो जो मॉलिक्यूलर वेट निकालना शुरू में, वो जो यही मौजूद था, तो इसी का मॉलिक्यूलर वेट बताओगे. तो मॉलिक्यूलर वेट हम देखना चाह रहे हैं, इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट, है ना.
इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कितना होगा? यहां एट इक्विलिब्रियम, देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ध्यान दें। इनिशियल, इनिशियल ये तो है ही नहीं, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मॉलिक्यूलर वेट में, सिर्फ इसको लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट इसी का मोल है, तो इसी का मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, तो ये मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल सकते हैं एम, जो भी कंपाउंड या नाम लिखा उसका मॉलिक्यूलर आप निकाल सकते हो, पीसीएल फाइव दिया तो उसका लिख सकते हो, जो दिया उसका लिख निकाल सकते हो, ये एम हो गया। इनिशियल मॉलिक्यूलर सिर्फ इसका लेना है, ये तो जीरो है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चों, है ना, एट इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम पे क्या करोगे, इक्विलिब्रियम पे ये भी ये बचा हुआ है और ये बन गया, तो इक्विलिब्रियम पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चों, तो ये बचा होगा ये बन गया, मुझे लगता है एवरेज लेना पड़ेगा, एम एवरेज, और एवरेज निकालने में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, एवरेज में देखिए एवरेज निकालने में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, एवरेज निकालने में ये भी कंट्रीब्यूट, यानी एवरेज ऐसे नहीं आएगा, दोनों के कंट्रीब्यूशन से आएगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसके मोल कम होंगे उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, नहीं जो एवरेज है किस पे डिपेंड करेगा, मोल्स पे, इसके मोल बढ़ गए तो इसके एम वन का कंट्रीब्यूशन एवरेज में बढ़ गया, तो एवरेज मोल पे डिपेंडेंट कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो पता है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल पे, और मोल यानी अल्फा, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एवरेज पता हो, क्योंकि एवरेज बदलेगा, एवरेज एवरेज मतलब इक्विलिब्रियम पे मॉलिक्यूलर वेट, अगर एवरेज मॉलिक्यूलर जो कि इक्विलिब्रियम का ही बदल जाएगा तो अल्फा यानी मोल बदल जाएंगे, अल्फा बदल जाएगा, तो अल्फा पता होने से हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं या उल्टा भी, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इस मॉलिक्यूलर का हाफ करो तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी, वेपर डेंसिटी, यहां वेपर डेंसिटी मतलब इनिशियल कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी क्या होगी, एम बाई टू, और इक्विलिब्रियम में वेपर डेंसिटी स्मॉल डी है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है एम एवरेज बाई टू, जो मॉलिक्यूलर वेट का आधा करो वेपर डेंसिटी आ जाती है, खैर ये तो ऐसे ही लिख दिया। अब ध्यान देना बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, हम अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एम, अल्फा निकालने का तरीका क्या है, एम इनिशियल मॉलिक्यूलर माइनस एम एवरेज अपॉन एन माइनस वन एम एवरेज, बताता हूं आता कैसे, लेकिन अभी ऐसे फॉर्मूला याद रखिए कि अल्फा हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो मैंने बताया था ना कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों के मोल पे, किसी एक मोल कोई एक के मोल बदलेंगे दूसरा अपने आप बदल जाएगा, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, एवरेज निकालने में ये भी कंट्रीब्यूट करता है ये भी कंट्रीब्यूट करता है, इसके मोल ज्यादा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, एवरेज बदलेगा तो मोल बदलेंगे नहीं अल्फा बदलेगा, तो अल्फा और एम एवरेज में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो शानदार हेडिंग आपको डालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगला टॉपिक जो है फ्रॉम एम एवरेज और वेपर डेंसिटी, एवरेज और वेपर डेंसिटी, इससे भी हम निकाल सकते हैं। अच्छा इन सब में एक काम करो बच्चों, जैसे यहां पे m की कैपिटल m क्या हो जाएगा, 2 इंटू कैपिटल डी, और m एवरेज क्या होगा, 2 इंटू स्मॉल डी, आप यहां से निकाल के लिख सकते हो कि नहीं सर, यहां से निकाल देंगे तो m इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल डी आ जाएगा, और m एवरेज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल डी, इसको उठा के यहां रख दोगे तो ये फॉर्मूला अल्फा जो है ये चला जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एन माइनस वन स्मॉल डी, देखिए ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को निकालते समय यहां पे जो n है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर n इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय, इसके बाद की लाइन इंपॉर्टेंट है, वन मोल रिएक्टेंट ऑब्टेन्ड बाय वन मोल रिएक्टेंट, ये एक मोल रिएक्टेंट से जो मोल बनते हैं वो n की वैल्यू है। आता कहां से बच्चों, एक लाइन में समझा देंगे आपको, जस्ट मास बैलेंस करो आपका यहां पे काम हो जाएगा, मास बैलेंस करो ये फॉर्मूला आ जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आता कहां से, फिर एक दो क्वेश्चन करके आज की क्लास खत्म करेंगे।
और उसको डेराइव करने के लिए आप लोग नोट करते रहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर है कि आता कैसे है, तो हमको एक चीज पता है कैसे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है जी, फॉर्मूला सबने सुना होगा। यहाँ से वेट क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ये टेबल हटा दे यहाँ से, देखो ऊपर ये टेबल रिमूव कर देते बच्चों। हाँ देखो इसी के नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला कहां से आता है, अपने आप फटाफट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ना ये वेट, तो बाय लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन अगर आप रखोगे तो क्या बोलेगा, वेट इनिशियल इक्वल टू वेट एट इक्विलिब्रियम, वेट थोड़ी बढ़ेगा। और वेट क्या होता है, मोल इनटू वेट, सॉरी मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो यहां जाएगा मोल और इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल, यहां पे मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम, यहां इनिशियल रखना है दोनों, यहां पे एट इक्विलिब्रियम रखना है। अच्छा इनिशियल मोल कितने बच्चों, इनिशियल मोल देखो, इनिशियल मोल 0 प्लस 1, इनिशियल मोल 1 है, इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम था भी लिखा टेबल में। अच्छा इक्विलिब्रियम मोल कितने हैं, इनको जोड़ दो, इक्विलिब्रियम मोल आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और यहां मॉलिक्यूलर वेट एम एवरेज है बच्चों, यहां से एम एवरेज निकालो यही आएगा जो लिखा हुआ है, एम एवरेज निकालोगे तो यही आ जाएगा, जस्ट बाई लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में वेपर डेंसिटी, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो वेपर डेंसिटी होती है, अगर इक्विलिब्रियम पे जो एवरेज मास होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा तो वेपर डेंसिटी चेंज होगी, वेपर डेंसिटी चेंज होगी तो अल्फा बदल जाएगा, तो अल्फा से एवरेज मास या एवरेज मास से अल्फा भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक काम करो, कल ही हम लोग की क्लास है, कल इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। रीजन ये होता है ना कि आप लोग शायद ऐसे ही बोलते जल्दी बच्चे बाकी में कि सर एक और क्लास आधे घंटे बाद है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो बैटरी डिस्चार्ज करनी होती है वो कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फॉर्मूला ये रहेगा, इस पे क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान रखना अब हमारे पास एक ही चीज बची हुई है, कौन सी, ली चैटेलिए प्रिंसिपल, और कुछ नहीं बचा है, पूरा चीज खत्म हो गया, ली चैटेलिए प्रिंसिपल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो मूल कंसेप्ट हम लोग कल कंप्लीट, सॉरी ये केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, इसी का टेस्ट हम संडे को लेंगे। ठीक है, और मंडे को जो टेस्ट, राइट, थैंक यू बच्चों, नोट कर लो इसको, थैंक यू सर, थैंक यू।